तो देखिए पिछली क्लास में हमने ऑन ब्लर इवेंट देखा था, जिससे हमारा फोकस उस टेक्स्ट बॉक्स से या कहीं से भी हटता है तो इवेंट घटित हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर जो भी फंक्शन बनाना है आप बना सकते हैं। सीधा लिखा था वेलकम, लिखा था यहाँ लिख सकते हो आप, चाहे लिख सकते हो। अब नेक्स्ट इवेंट हमारा क्या था, नेक्स्ट इवेंट क्या था हमारा, ठीक है। तो यहां पर इवेंट हमने ऑन चेंज कर रहे हैं, क्या ऑन चेंज इवेंट, कौन सा। अब ऑन चेंज इवेंट क्या काम करेगा, जैसे लिखा हमने ऑन चेंज इवेंट, तो वहां पर लिखा आएगा ऑन चेंज इवेंट, राइट। तो यहां पर केवल क्या लिख दोगे आप, ऑन चेंज क्या लिख दोगे, और फंक्शन एक ही चलेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर और कुछ भी कर सकते हो आप, कोई भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करा सकते हो ऑन चेंज इवेंट, राइट। तो इससे फायदा क्या हुआ, जब भी हम मान लो इसे सेव करेंगे, ये सेव एस कर देते हैं vara.html, ओके। तो यहां पर आपको क्या करना है, जैसे प्रोग्राम रन करोगे, हाँ देखिए अब यहां पर एक इवेंट घटित होगी। पिछली क्लास में हमने ऑन बिलर देखा था, जैसे लिखा राम, क्या लिखा, राम लिखा। अब चेंज हो गया, पहले ब्लैंक सेल था, ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स था, अब राम लिखा है। जैसे उधर से तुम दूसरी जगह जाओगे तो ऑन चेंज इवेंट घटित हो जाएगा। इधर आ गए, लिख दिया श्याम। अब इधर से उधर जाओगे तो कोई फर्क नहीं होगा, इधर से इधर चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो ऑन चेंज में क्या होगा, जब तक उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करोगे तब तक वह इवेंट घटित नहीं होगी। मान लो आपने एम मिटा दिया, माने परिवर्तन हुआ, अब आप जैसे उधर से जाओगे दूसरी जगह तो वो इवेंट घटित हो जाएगी, ठीक है, घटना घटित हो जाएगी। इवेंट के अंदर जो भी फंक्शन दिया होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। इसको लिखिए जल्दी से,